ऑर्डर फर्स्ट क्लास का टॉपिक है। असेंडिंग ऑर्डर में अधिकतर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन नंबर सबसे पहला आएगा, कौन नंबर बाद में आएगा। आज आपको सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ लाइन है, यहाँ पहले छोटा आता है, फिर से बड़ा लाइन आ जाता है, उसे थोड़ा सा और वाला आ जाता है, उसे थोड़ा सा और बड़ा आ जाता है। यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, 19 12 16। तो पहला नंबर चेक करते हैं हम, ये 1 1 1 सब सेम है नंबर। अब उसके बाद वाला चेक करेंगे 9 2 6, और नंबर लाइन में अगर आप देख सकते हैं 2 है, तो 12 वाला यहाँ आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 16 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 19 यहाँ आ जाएगा। अगले एग्जाम्पल पे सब में पहला नंबर सेम है 3 3 3 3, और इसके बाद वाला नंबर देखते हैं 0 4 2। तो पहले नंबर लाइन में 0 आ रहा है तो 30 पहला आ जाएगा, उसके बाद क्या आ रहा है 2, तो 32 आ जाएगा, उसके बाद 34 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल 23 25 27 में पहला नंबर चेक करते हैं हम, 2 2 2 सब में सेम है, 2 2 2 सब में सेम है, तो इसमें पाँच आना नंबर चेक करते 3 5 7। तो 3 5 7 में यहाँ अगर आप देखते तो 3 सबसे पहले आता है, तो 23 सबसे पहले आ जाएगा, उसका 25 उसके बाद आ जाएगा, 27 लास्ट में आ जाएगा। और से नेक्स्ट एग्जांपल पे होता है 11 14 13 में आप देख सकते हैं पहला नंबर 111 सेम है, और उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं 143। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 1 सबसे पहले आ रहा है, तो 11 पहले रख देंगे, उसके बाद 14 लास्ट में लिख देंगे, और 13 उसके बाद लिख देंगे, 46 45 41। तो इसमें 4 4 4 सम है, तो यहाँ नंबर लाइन में 1 आ रहा है, तो 41 यहाँ रख देंगे, 45 उसके बाद रख देंगे, 46 उसके बाद रख देंगे, 10 30 20। अगर ऐसा नंबर हो बाद वाला चेक करेंगे, 0 0 0 सब सेम है, उसको पहला वाला चेक करेंगे 1 3 2। तो नंबर लाइन में 1 आ रहा है, तो 10 सबसे पहला आ जाएगा, 20 उसके बाद आ जाएगा, और 30 उसके लास्ट में आ जाएगा, 45 25 और 35 सब सेम है, 5 5 5 उसे पहला वाला देखेंगे 4 2 5, तो 2 सबसे पहला आ रहा है, तो 25 हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 35 हो जाएगा, उसके बाद 45 हो जाएगा। और अगर सिंगल वर्ड हो, सिंगल नंबर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल नंबर हो, तो इसमें 0 आप लगा सकते हो, और 0 सबसे पहले आ जाता है नंबर लाइन में, तो 4 यहाँ, उसके बाद 41, तो 1 यहाँ, 4 14 और 94। आपको यह आ ही गया होगा समझ में असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, उसके बाद वाला कैसे होता है, उसके पहले वाला कैसे होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जरूर सा, इस वीडियो में कमेंट्स भी कीजिएगा, इस वीडियो में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।